कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आप सभी का जो टेंथ का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साइंस स्ट्रीम में बढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स स्ट्रीम में बढ़ रहे होंगे। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनका एक डेडिकेटेड चैनल है जिसका नाम है प्रतिगिरी 11th एंड 12th आपका अकेडमी। तो जाके फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां पे आपके वीडियो लेक्चर्स और साथ के साथ गिरु ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वहां पे आपके वीडियो लेक्चर्स के आने वाले हैं। अब यही पे एक स्टूडेंट जो कॉमर्स की तरफ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बता दो, ये आपका अपना चैनल, ये आपकी अपनी फैमिली है दोस्तों, तो उसको प्यार अपना दिखाना, अपने दोस्तों साथ शेयर करना। जो भी आपके कॉमर्स के दोस्त है जो कॉमर्स का ग्रैब आउट करने वाले, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हो, चाहे 12th स्टैंडर्ड के हो, चाहे फिर वो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज परस्यू करने वाले इस साल से, तो उन सभी के लिए ये चैनल से सभी के लिए जो लेक्चर्स है वो आना क्या शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 11 कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 कॉमर्स में आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, आप बाइफोकल के लिए जा सकते हो, जनरल कॉमर्स के लिए जा सकते हो। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो आपके जनरल कॉमर्स के बारे में बात करना। अब जनरल कॉमर्स में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आपके इंग्लिश होता है, बीके होता है, ओसीएम रहता है, इकोनॉमिक्स होता है। अब यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट और होते हैं, आपको देखो आपके स्कूल में आपको आईटी मिलेगा या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब आईटी तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस कौन से होते हैं सर, आपका हिंदी हो सकता है, आपका मराठी हो सकता है, अगर आप संस्कृत हो तो संस्कृत, संस्कृत हो मतलब आपके स्कूल में अगर संस्कृत अवेलेबल है तो आपको संस्कृत भी मिल सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस आपको ये लैंग्वेजेस वाला सब्जेक्ट क्या मिलता है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आइदर यू कैन ऑप्ट आईटी और एल्स यू कैन ऑप्ट लैंग्वेजेस। अब यहीं पर छठा जो सब्जेक्ट है एसपी और मैथ्स का रहता है, दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना रहता है। अगर आप मैथ्स की तरफ पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ्स ले सकते हो, अगर आप एसपी की तरफ पढ़ना चाहते हो तो एसपी ले सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर अगर बात करिए जो टोटल सब्जेक्ट जितने भी, ईच सब्जेक्ट क्या है 100 मार्क्स, कितने मार्क्स कैरी करता है आपका 100 मार्क्स क्या कैरी करता है। अब यही पे मैं वाई फोकस वाले सब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन दे दूं, देखो इंग्लिश बीके ओसीएम इकोनॉमिक्स ये आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट्स तो रहेंगे। अब आपके ऑप्शन क्या रहेंगे, देखो ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक मिलने देखने मिल जाता है, बैंकिंग देखने मिल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग देखने मिल जाएगा, ऑडिटिंग मिल जाएगा, और एक और चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब्जेक्ट भी आपको क्या देखने मिल जाता है, आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखने मिल जाता है। अब ये सारे जो सब्जेक्ट्स है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जैसे डिस्कस किया ईच सब्जेक्ट क्या है 100 मार्क्स इंक्लूडिंग इंटरनल एंड रिटन। अब यहीं पे इन सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट जो कैरी करता है वो 200 मार्क्स कैरी करता है। तो आप पर्टिकुलरली आपके कॉलेज में अगर ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के अक्वायर करने रहेंगे, बैंकिंग 1 बैंकिंग 2 आपको इस तरह से क्या सब्जेक्ट स्प्लिट अप रहते हैं, ठीक है। तो 200 मार्क्स तो आपके 1, 2, 3, 4, 400 मार्क्स होगा, 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, 600 मार्क्स की आपकी क्या पूरा जो है वो चीज क्या तैयार हो जाती है। तो मेरे ख्याल आपको चीज समझे होंगे। अब आप क्या करने वाले हो, आप बाइफोकल लेने वाले हो कि जनरल लेने वाले, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें भी पता चल सके दोस्तों और आपकी तैयारी हम उस वाइज क्या करवा सके। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।